बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नोमी भाई आपकी खिदमत में हाजिर। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं ड्रामा सीरियल सियानी और इसका मकबूलियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसके व्यूज जो हैं जनाब वो मिलियन में आ रहे हैं। आपके सामने जो पिक्चर डिस्प्ले की गई है ये है जनाब किरण, और किरण का जो तरीक़ेकार था वो आपको भी याद होगा। हम आपको बताते चले कि ये आप किसी को भी खातर में ना लाते हुए इसने जो जो ज्यादतियाँ की उसकी अब इसको सज़ा जो है वो मिल रही है। और इसी तरीके से वारिस शाह ने भी कहा था कि ना कर मान वार सांदा रब बे वारस कर मारता ही, और यही तरीका जो है वो जनाब इसके साथ किरण के साथ भी हो रहा है। और अब जरियाब की जो है वो शादी होने जा रही है जनाब। आयशा बहुत अच्छी लड़की है और उसका जो उजाला ने रिश्ता ढूंढा है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, और जरियाब के जो बच्चे हैं जनाब ये बेटी है उसकी, और वो बिल्कुल भी इस नई माम को वो बिल्कुल पसंद नहीं करते और ना ही उसके बारे में सोच सकते हैं। वो अपनी पुरानी मामा को लाने की ज़िद कर रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि जरियाब उसको ऑलरेडी तलाक दे चुका। और जैसे ही ये पहुंचेगी जनाब किरण अपने नए फ्लैट में जेल से रिहा होके, जैसे ही वापस आई उसके भाई ने भी उसको घर से निकाल दिया कि देखो तुम्हारी कोई जगह नहीं है यहाँ पे। इसने कहा कि माँ किधर है, मैंने मामा से मिलना है। तो उसने कहा माँ तुम्हारी वहाँ है जहाँ तुम्हें होना चाहिए था। और जैसे ही नए फ्लैट में ये पहुंचती है तो आगे जनाब उसकी दोस्त उसको मिल गई। अच्छा तो तुम शादीशुदा हो, तुम्हारे बच्चे भी हैं, और तुम्हारा सामान किधर है? उसने कहा मैं शादीशुदा थी, हूँ नहीं। अच्छा तलाक याफ्ता हो? तो जनाब बड़े ही मज़े का ड्रामा सीरियल, और इसी वजह से हम आपको बताते चलें कि ये ड्रामा सीरियल के पीछे जो हाथ है वो है जनाब अब्दुल्ला कुदवानी साहब का, और उनकी जो ऐसी ऐसी कावश जो के पता चलता है कि थोड़ी ही देर में क्या कुछ होने वाला है पता कुछ नहीं चलता, और इसी का नाम बेस्ट स्टोरी जो है वो कंसीडर होता है। और इसी तरीके से जो असलम दार साहब की अगर आप मूवी देखना चाहें तो पुरानी मूवी कोई उठा के देखें तो तब पता चलता है कि क्या क्या सूरत हाल है, हर एक मिनट में बदलते लम्हात आपके सामने। और ऐसा नहीं है कि जनाब ड्रामा शुरू हुआ और बंदा जो है वो सो रहा है, तो जब नींद आ गई इसका मतलब है बोर ड्रामा है।